कल गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में सदस्य सांसद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों पर केंद्रीय राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि पार्टी में टिकट की बड़ी सुवैचारिक पद्धति है। यह किसी व्यक्ति विशेष या परिवार की पार्टी नहीं है, यह एक सुसंगठित लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित पार्टी है। इसमें टिकट पाने वाले व्यक्ति के सारे गुण और दोषों पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। मैंने एक वाक्य कहा कि पार्टी में टिकट वितरण की बड़ी सुविचारित पद्धति है, वो सुविचारित में सारे विषय आते हैं, उसमें हमारे कार्यकर्ता भी आते हैं, उनकी प्रामाणिकता भी आती है, उनकी सेवाएं भी आती हैं, और जो हमारे दल में आते हैं वो भी आते हैं। वो सुविचारित पद्धति मैंने शब्द इस्तेमाल किया, उसके आधार पर विचार होता है, उसके आधार पर निर्णय होता है। व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक बहुत व्यवस्थित पार्टी। गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए संवैधानिक व्यवस्था है, मेरा प्रयास होगा कि प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए। केंद्र सरकार यहाँ के विद्यार्थियों की, लोगों की इस मांग पर गंभीर है, लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय को और जो कॉलेजों की संबद्धता से बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ हो उसको केंद्रीय विद्यालय बनाने की एक पद्धति है जिसमें राज्य की सहमति की अति आवश्यकता है। तो ऐसी परिस्थिति जब निर्माण होगी तो आगे के कदम पर विचार होगा। यूपी में बीजेपी को लेकर सीएम के चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ के नाम पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि योगी जी हमारे सम्मानित नेता हैं, इस पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। योगी जी हमारे सम्मानित नेता हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी एक बीजेपी के आधार पर सारे अभियान चल रहे हैं। कमल हमारा इस समय लीडर भी है, हमारा चुनाव चिन्ह भी है। आगे इस पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, ये उसके परिक्षेत्र का विषय है। महानगर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात को सुगम बनाने की योजना को मूर्त रूप देने के लिए प्रयासरत प्रशासन को पटरी व्यवसायियों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। विगत कई दिनों से असुरन चौराहे पर सब्जी का व्यापार करने वाले व्यवसायियों और प्रशासन के बीच चल रही तनातनी आज कुछ हद तक समाप्त हो गई।